नाम बोलिए। योगेंद्र प्रसाद। मैडम चेक मुहर मरा रहा है, चेकअप नहीं होगा यहाँ पे? चेक नहीं कुछ हो रहा है, सिर्फ मुहर क्यों मारे मैडम? यहाँ जांच हो रहा है मैडम। एक मिनट एक मिनट, चेकअप नहीं हो रहा तो आप नाम क्यों लिख रहे हो? यही हो ही रहा है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के एक अस्पताल का वीडियो ट्वीट कर जांच व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गया के एक अस्पताल का वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि बिहार के गया में जांच कराने आए संदिग्ध मरीजों का सिर्फ नाम पता लिख और बिना जांच मुहर लगा छोड़ दिया जा रहा है। ना ही जांच की कोई व्यवस्था, टेस्टिंग किट और उपकरण है। डॉक्टर संसाधनों की कमी का हवाला दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ क्या ऐसे लड़ा जाएगा? केंद्र राज्य का समन्वय क्यों नहीं है? देश में इन दिनों कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए लॉकडाउन है। इस बीच बिहार में कोरोना के 15 मामले मिल चुके हैं तथा सैकड़ों संदिग्धों की जांच की जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य कर्मियों के पास संक्रमण के बचाव के संसाधनों की कमी नहीं हो, लेकिन राज्य की स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मैडम चेक मुहर मरा रहा है, चेकअप नहीं होगा? पिता का नाम? अरे यहाँ पे चेक नहीं कुछ हो रहा है, सिर्फ मुहर क्यों मारे मैडम? उम्र कितना है? यहाँ जांच हो रहा है। कहाँ उम्र कितना है मैडम? एक मिनट एक मिनट, चेकअप नहीं हो रहा तो आप नाम क्यों लिख रहे हो? यही हो ही रहा है यहाँ सबूत के लिए भाई आप आए हैं। सबूत के लिए आए हैं तो ये सबूत क्यों लगाया जा रहा है? फिर हमें यहाँ आ क्यों रहे हम लोग? चेकअप करवाने आ रहे हैं ना हम लोग। बाहर इस बात कर लेते हैं, जब हम चेक करवा रहे हैं, जब हम चेक इन होगा तो फिर जब चेकअप। कौन है कौन है? अच्छा चेकअप नहीं हो रहा है क्या? हो गया, रफ्तार बिल्कुल अच्छा नहीं है ना, ठीक हो गया वही चेकअप। तो ये सिर्फ मुहर मारने से चेकअप हो गया? वही वो तो सिर्फ इसी मुहर मार। बेसी बोलने से कोई फायदा नहीं है, जो मेरे पास साधन है वही हम कर दिए, बाकी जाओ पागल हो गए हम लोग 1000 आदमी से बात करते करते। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या क्या हुआ इसको? ठीक है, इसमें कुछ क्या हुआ? इससे पहले तेजस्वी ने एक और वीडियो के माध्यम से बिहार के एक बड़े सरकारी अस्पताल की स्थिति दिखाई थी। वीडियो में डॉक्टर अन्य चिकित्सा कर्मियों के साथ पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स के लिए गुहार लगाते दिख रहे थे। वीडियो में उन्होंने डॉक्टर ने कहा है कि वे गायनी विभाग में कार्यरत है, इसलिए उन्हें पीपी किट, मास्क व सैनिटाइजर नहीं दिए गए हैं। वी आर डॉक्टर्स फ्रॉम बिहार फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज एंड व्हेन वी आस्क्ड आवर कॉलेज अथॉरिटी Hospital authority regarding the PPE kit to fight against coronavirus, we are right now doing emergency duty and we were told that you people don't need PPE kits because we are working in gynae department. So in gynae department, coronavirus attack is not going to occur. And when these residents, they asked for PPE kit and when I asked for PPE kit, we were provided with these transparent kits just as placebo so that we may keep our mouths shut and work in emergency department without any complaint. We all know that corona has entered its stage 3 and even though we don't have PPE kit, if we get infected then we can spread too widely. So please awake and please provide and PPE. From us, it's not so that we are going to get infected and other are going to be spared, because we will be acting as an epicenter and we will be spreading it to the whole society. So we don't need any type of incentives or any tali or any thali or not even any praise. So we need our PPE kit for protection of our family, for protection of our health worker. तेजस्वी के पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी एक वीडियो ट्वीट कर नीतीश कुमार की सरकार द्वारा कोरोना पीड़ितों व संदिग्धों के इलाज की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।